Number of coronavirus cases in India has risen to 1,251 and 32 people have died due to the virus so far in the country. India's health ministry is now briefing the media. We're cutting across live. Member Niti Aayog or Professor K. Vijay Raghavan, Principal Scientific Advisor to the Prime Minister, वह कर रहे हैं यह कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी साइंटिफिक एजेंसीज साइंटिस्ट इंडस्ट्रीज और रेगुलेटरी बॉडीज के बीच में इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सीएसआईआर डीआरडीओ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संबंधित अधिकारी भी हैं और इनका प्रयत्न होगा कि कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बड़े पैमाने में कैसे हम टेस्टिंग और सीरोलॉजी एसेज पर काम करें उस पर प्रयत्न कर रही है किस तरीके से हम सर्वेलेंस और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ाएं ताकि हम वायरस को कंट्रोल कर सकें उसके बारे में कुछ और हम नॉलेज पा सकें उस पर काम चल रहा है इसके साथ ही साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे गवर्नमेंट के जितने मंत्रालय हैं जो इससे लिंक्ड हैं वो उनके साथ मिलकर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स कर रही है which are primarily focused on repurposing of drugs. एक टास्क फोर्स है जो ड्रग ट्रायल्स को ऊपर अफर्ट कर रही है ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सके इसी तरह से कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स ताकि वो डिजीज को समझ सकें मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में और ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में काम कर सकें उसके ऊपर प्रयत्न चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और फार्मा के साथ मिलकर और स्टेट्स के साथ कॉपरेट कोऑर्डिनेट करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मास्क वेंटिलेटर्स और जो रिलेटेड लॉजिस्टिक्स हैं उनको प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री के साथ उनको सपोर्ट करके कैसे इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए उस पर काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोरिया टर्की और वियतनाम के सप्लायर्स को भी आइडेंटिफाई किया है ताकि हम अपनी अवेलेबिलिटी देश में इन लॉजिस्टिक्स आइटम्स की बढ़ा सकें डीआरडीओ लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर भी इसी तरीके से N95 मास्क और जो रिमेनिंग लॉजिस्टिक्स है उनको बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है हेल्थ मिनिस्ट्री ने ANMs आशा वर्कर्स आंगनवाड़ीज आयुष के डॉक्टर्स जो हैं हमारे और हमारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अपनी वेबसाइट पर COVID-19 को मैनेज करने से संबंधित जैसे कि फील्ड सर्वेलेंस सुपरविजन एंड लैब टेस्टिंग क्लिनिकल मैनेजमेंट आइसोलेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल इन द क्लिनिकल लोकेशंस क्वारंटाइन फैसिलिटी मैनेजमेंट इनसे संबंधित रिसोर्सेज को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है 30 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दो जो वेबिनार कंडक्ट किए गए थे उसमें मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि उसमें करीब 15,000 नर्सेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग की गई और इसे अब तक देश भर में 1,00,000 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स ने यूज किया है डाउनलोड किया है हेल्थ मिनिस्ट्री इसके साथ ही क्रिटिकल केयर के ऊपर भी फिजिशियंस के अपने वेबिनार शेड्यूल के साथ लोगों को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा रही है साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की उन्होंने इन सभी जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके सर्विस माइंडसेट के लिए इनकी सराहना करते हुए इनके द्वारा जागरूकता फैलाने सोशल डिस्टेंसिंग के इम्प्लीमेंटेशन और जो हमारे लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनको बुनियादी आवश्यकता और एसेंशियल इश्यूज में कोई दिक्कत ना हो उसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने की अपील की है और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी श्रृंखला में ग्लोबल COVID-19 पेंडेमिक के रेस्पॉन्स पर डिस्कशन करते हुए दुनिया भर में जो भारत के सभी दूतावास हैं और उच्च आयोगों के प्रमुखों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है इसके साथ ही क्योंकि कई जगह पर कई भ्रांतियां फैलती हैं कहीं जगह पर कुछ टेक्निकल इश्यूज पर डाउट आते हैं तो जैसे कि हमारी 1075 हेल्पलाइन के द्वारा हम लोगों को टेक्निकल गाइडेंस देते रहे हैं इसके साथ ही अब हम एक ज्वाइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर्स के साथ मिलते हुए एक स्पेशल टीम बनाते हुए किसी को भी अगर कोई टेक्निकल गाइडेंस चाहिए ऑथेंटिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए एक प्रोसेस हम नेक्स्ट 24 घंटे में शुरू करने वाले हैं जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर ईमेल पर अगर आपके कोई टेक्निकल डाउट्स हैं
तो आप पूछ सकते हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा, उसके बारे में आपकी जो रिक्वायर्ड गाइडेंस होगी, अगर इमीडिएट होगी तो इमीडिएट दी जाएगी, नहीं तो उसको टेक्निकली एग्जामिन करके ये गाइडेंस दी जाएगी। इसका पर्पज यह है कि इसके द्वारा ऑथेंटिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम सबको दे सके। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ऑथेंटिक और जेन्युइन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल होगी तो उसके कारण जो अननेसेसरी डाउट्स और जो पैनिक की सिचुएशन आती है वो नहीं होगी। साथ ही माननीय हेल्थ मंत्री हैं, उन्होंने भी कल एक सैंपलिंग और टेस्टिंग स्ट्रैटेजी पर एक रिव्यू मीटिंग की थी। उन्होंने इस संदर्भ में एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटीज देश में होनी चाहिए, टेस्टिंग किट्स होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी फर्दर टेक्निकल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करने के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह इंश्योर किया जाए कि जो टेस्टिंग किट्स की क्वालिटी है बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में उसको इंश्योर किया जाए, साथ ही इंडिजिनस डेवलपमेंट पर भी जो कि ऐसे चीपर हो, फास्ट हो और एक्यूरेट हो और उसके ऊपर भी काम हो, उसके लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि साथ ही ऐसी स्टेट्स है जहां पर कि नंबर ऑफ लैब्स अभी कम है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों में, वहां पर स्पेशल इंफेसिस दिया जाए ताकि हम हर जगह पर इंश्योर कर सके कि टाइम पर टेस्टिंग हो सके। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी जिसमें हेल्थ मंत्री साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सिविल एविएशन, शिपिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सभी प्रेजेंट थे, जिन्होंने देश में चलती हुई सिचुएशन का पूरा एनालिसिस किया, जायजा लिया। उन्होंने इस सिचुएशन में यह भी कहा है कि हमें स्टेट्स के साथ मिलकर यह इंश्योर करना है कि जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी और लार्ज नंबर में बनाया जाए, स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जो हमारे माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनके बारे में भी, अगर उनको हमने किसी टेम्परेरी शेल्टर में कहीं पर हमने उनको ऑर्गेनाइज किया है तो उनका मेडिकल चेकअप किया जाए, उनको रिक्वायर्ड साइकोसोशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए और इसके जो अगर नीड है तो नीड के हिसाब से हेल्थ प्रोफाइलिंग करते हुए उनको अगर किसी और फैसिलिटी मैनेजमेंट या होम क्वारंटाइन सजेस्ट किया जाए उसके लिए भी स्टेट के साथ हम चर्चा करके इसको ऑर्गेनाइज कराएं, उन्होंने आदेश दिए हैं। अंत में मैं आप सबसे फिर यही कहना चाहूंगा कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस कोविड 19 की लड़ाई में अपने एफर्ट्स को उसी कंटिन्यूड विगर, उसी कंटिन्यूड स्ट्रेंथ के साथ करें ताकि हम जो ये बीमारी है, जो ये मजबूरी, जो दिक्कत हमारे सामने है उससे हम लड़ सकें और उससे विजयी हो सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता।